नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कैसे अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में भी हम गणित का, गणित की शेप्स का, कोणों का प्रयोग करके गणित को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ये है हमारे मैथ्स लैब का एक छोटा सा दरवाज़ा और हमने इस दरवाजे को कोणों के आधार पर सेट किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है। ले अब ऐसे करना मुझे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस दरवाजे के नीचे हमने डी के कोण बनाए हैं। 0 डिग्री, 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार से 90 तक के कोण हमने इस दरवाजे के खुलने के हिसाब से बनाए हैं। और हम विद्यार्थी को यही अभ्यास करवाते हैं कि मान लीजिए हमें 40 डिग्री का कोण बनाना है, तो बच्चा इस दरवाजे को धीरे धीरे 40 डिग्री के कोण तक खोलता है। ये है 40 डिग्री का कोण। इसी प्रकार से यदि बच्चे को 50 डिग्री का कोण खोलना हो तो वहीं से 50 डिग्री तक, 30 डिग्री का खोलना हो तो 30 डिग्री तक, और इस प्रकार से अलग अलग कोणों का बच्चों को हम दरवाजे की मदद से अभ्यास करवाते हैं। जैसा कि अभी यह 60 डिग्री के कोण तक दरवाज़ा खुला है, तो इस प्रकार से दरवाजे की मदद से ही जिस दरवाजे के थ्रू बच्चे रोज़ आते जाते हैं, बच्चे कोणों का अभ्यास कर सकते हैं।